तो दोस्तों इस वक्त बज रहे हैं सुबह के 7:50 और हम पहुंच चुके हैं जमशेदपुर के आईलेक्स सिनेमा हॉल में देखने के लिए फिल्म एनिमल। यानी कि भाई हमारे चॉकलेटी बॉय रणवीर कपूर इस बार एनिमल के अवतार में सिनेमाघरों में एंट्री मार रहे हैं और भाई उनकी इस फिल्म का क्रेज़ इस वक्त पूरे इंडिया में ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। यहाँ पर भी मॉर्निंग का शो हाउसफुल है, पीजेपी सिनेपॉलिस में भी इस फिल्म का मॉर्निंग का शो हाउसफुल है और उसके बाद के भी सारे शो ऑलमोस्ट हाउसफुल होने जा रहे हैं। यानी कि पब्लिक के बीच में इस फिल्म का डिमांड बहुत तेज़ था और ओपनिंग जिस तरह से इस फिल्म को मिली है, इसको देखने के बाद ये बात कही जा रही है कि ऑलमोस्ट ये फिल्म पहले दिन 40 से 45 करोड़ का ओपनिंग लेकर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार बिजनेस करेगी। तो शिवम, क्या कहना चाहोगे फिल्म के बारे में? सबसे पहले तो मैं कहना चाहूँगा कि इस पोस्टर को देख के ऐसा लगता है कि जैसे रणवीर कपूर वाकई में एक एनिमल है। बहुत ही ख़तरनाक लुक दिया उनको। थोड़ा बहुत आपको इसमें संजू बाबा का भी एलिमेंट मिलेगा, थोड़ा बहुत कबीर सिंह का भी एलिमेंट मिलेगा। काफ़ी स्ट्रॉन्ग रोल मुझे लग रहा है देखने से। एंड इसका जो स्टोरी लाइन है, जैसा कि मैंने ट्रेलर में देखा था, मुझे थोड़ा बहुत लगा जैसे कि ये मूवी गॉडफादर से थोड़ा सा इंस्पायर्ड होकर के बनाई गई है। बाकी फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा। इस मूवी का जो लेंथ है वो काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी देखना होगा कि किस प्रकार से इतना इंटरेस्टिंग स्टोरी 3.5 घंटे ऑडियंस को बैठा पाता है कि नहीं। हाँ, ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि फिल्म का जो लेंथ है वो काफ़ी लंबा है और मैं तो संदीप रेड्डी वांगा का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। अपनी फिल्मों के माध्यम से हमेशा मैजिक क्रिएट करते हैं और उनकी फिल्में जो हैं वो यूथ ओरिएंटेड होती हैं। तो भाई यूथ का ही हमें यहाँ पर जमावड़ा देखने को मिल रहा है। यानी कि जब से हम आए हैं ऑडियंस जो हमें नज़र आ रही है वो यंग एज की है, यानी कि 20 से 24 एज 20, हम लोग बोल सकते हैं, 20 से 25 की ऑडियंस ज़्यादा है, 25 की ऑडियंस ज़्यादा है। तो बस फिल्म चालू होने वाली है, अब हम भी जा रहे हैं इस फिल्म को देखने के लिए। फिल्म को ओपनिंग तो मैंने आपको बताया कि बहुत ज़बरदस्त मिला है और जो मुझे अभी तक खबर मिली है फिल्म को लगभग 28 करोड़ का एडवांस बुकिंग मिला है मेरे भाई। तो आप इससे बात अंदाज़ा लगा सकते हो इस बात का कि यह फिल्म कितना ज़बरदस्त ओपनिंग ले रही है। तो उम्मीद हम लोग यही करेंगे कि यह फिल्म 3.5 घंटे तक हमारा इंटरटेनमेंट करे और उसके बाद यह फिल्म रणवीर कपूर के लाइफ की एक ज़बरदस्त हिट फिल्म बने। तो फिल्म चालू हो रही है, जा रहे हम देखने के लिए फिल्म और देखने के बाद हम आपको मिड रिव्यू देंगे कि भैया इंटरवल तक ये फिल्म कैसी थी। तो बने रहिएगा हमारे साथ हमारे चैनल यानी कि वायरल न्यूज़ जंक्शन पे।